आपने कभी ऐसा सोचा है कि अरे यार मेरे पास बहुत सारा पैसा है, कुछ खर्च करना चाहिए, अगर नहीं तो आप मेरी तरह एक आम आदमी है। लेकिन पूरी दुनिया में ऐसे कुछ अमीर लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं होता तो मैं आपको ये 20 चीजें नहीं बता रहा होता। नंबर 20, कॉन्क्रीट अल्टो डोरस्टेप। इस लग्जरी डोरस्टेप की प्राइस $3500 मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से 2,59,000 है। इसलिए इसका यूज सिर्फ इम्पोर्टेंट दरवाजे रोकने के लिए किया जाना चाहिए। सीमेंट को अल्टो के वॉश से डालकर इस डोरस्टेप को बनाया जाता है। इस क्लासिक डिजाइन को अल्वर अल्टो नाम के आर्किटेक्ट ने 1937 में बनाया था। डोरस्टेप को वॉश से बाहर निकालने के लिए जनरली वॉश को ही तोड़ा जाता है। नंबर 19, अनदर नोटेशन ऑफ पॉसिबली बॉक्स कटर। इस कटर बॉक्स पर निकेल क्रोम से कोटिंग की है और अनदर नोटेशन ऑफ पॉसिबली इस फेस को कटर बॉक्स पे लिखा गया है। इसके पीछे का कारण ये था कि लोगों ने आर्ट और फंक्शनलिटी के बीच अंतर कम करना था। जिस साइट पे परचेस किया जाता है दैट इज citizen.com, ये कहती है कि इसका यूज हम घर के डेली कामों में, ऑफिस में और स्टूडियो में कर सकते हैं। सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग करने वाली बात यह है कि $95 में ये मिलने वाला कटर बॉक्स की साइट अब बिक चुकी है। नंबर 18, पोश इंस्टेंट नूडल्स। $43 यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से ₹3200। हम किस पे खर्च करेंगे, फाइव स्टार होटल के डिनर पर या फिर सेम प्राइस वाले इंस्टेंट नूडल्स पर? लेकिन जवाब देने से पहले ये जान लीजिए कि नूडल्स के साथ हाथ में पकड़े जाने वाले गोल्ड पॉट को छोड़कर फॉर्क और टेबल लाइन भी मिलते हैं। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं होता तो आप ये जान लीजिए कि इसमें मिलने वाला सारा पैसा चैरिटी को दिया जाता है, तो आपको नूडल्स खाते वक्त गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। नंबर 17, $1.2 million टॉयलेट पेपर रोल। टॉयलेट पेपर मैन नाम की एक फेमस ऑस्ट्रियन कंपनी कस्टमर को $1.2 million के टॉयलेट पेपर बेचती है जो 24 कैरेट गोल्ड से बने होते हैं और ये 3-ply होने के वजह से कॉस्ट भी बढ़ जाता है। परचेस करने के बाद डिलीवरी के वक्त आपको एक शैंपेन की बॉटल भी दी जाती है, तो क्या आप इसे परचेस करना चाहोगे? अगर आप गरीब है तो आपके लिए हमेशा कलर टॉयलेट पेपर है जो आप नजदीक के दुकान से या फिर ऑनलाइन सेल पे भी खरीद सकते हो। नंबर 16, ग्लेजिंग बॉल्स ऑफ आइस। क्यों लोग बोरिंग आइस क्यूब यूज करते हैं जबकि उन्हें $40 यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से ₹4000 में हाथ से बने हुए स्फेरिकल आइस क्यूब मिल सकते हैं। स्फेरिकल आइस क्यूब सुपर क्यूब लगते हैं और ये बेस्ट वे है ड्रिंक्स को एक जैसा ठंडा करने के लिए। अगर आप अपने दिमाग से ये ख्याल छोड़ देते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों को पीने के लिए प्योर वाटर भी नहीं है, तो ड्रिंक्स के साथ स्पेशल आइस क्यूब कूल परचेस हो सकता है। नंबर 15, गोल्डन बैकपैक। बिलियनेयर बॉयज क्लब ये दुनिया की सबसे अनोइंग कंपनी है जिन्होंने सबसे धासू तरीका निकाला है आपको कॉलेज में पिटाई से बचाने का, द गोल्डन बैकपैक। हाँ, जब तक आपके बॉडीगार्ड नहीं आ जाते। ये तो शुक्र है कि 1650 वाले इस गोल्ड बैकपैक में कुछ बुक्स और लैपटॉप बैठ जाए, इतनी तो जगह है। नंबर 14, डायमंड एनक्रस्टेड ब्लूटूथ हेडसेट। अगर आप ब्लूटूथ पहन के घूमते हैं और लोग आपको कहते हैं कि शो ऑफ कर रहा है, लेकिन इस डायमंड एनक्रस्टेड ब्लूटूथ हेडसेट को पहनने के बाद कोई भी आपको ये कहने की हिम्मत नहीं करेगा। 10 साल पहले इस वायरलेस डिवाइस की प्राइस तकरीबन $50,000 थी। अगर आपके पास $50,000 है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए परफेक्ट है। नंबर 13, गोल्ड प्लेटेड स्टेपलर्स। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उनके पास बड़ा घर, कार, यार्ड्स और नौकरों के लिए डिजाइनर कपड़े और फॉरेन मिस्ट्रेस तो होती है, तो ये कैसे एगोमैटिक लोग इन दिनों स्टैंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ऑफकोर्स $175 यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से 13,000 वाली गोल्ड प्लेटेड स्टेपलर ये सही ऑप्शन है अगर आपको बताना है कि आप कितने अमीर है तो। नंबर 12, टिफी टेनिस बॉल कैन। टेनिस ये अमीर लोगों का गेम है और इसका एक रीजन भी है। अगर अगली बार आप स्पोर्ट क्लब में अपने वाइफ के साथ खेलना चाहते हैं जो आपसे बेहद छोटी उम्र में है, तो अगली बार $1500 यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से 1,12,000 वाली स्टेलिंग सिल्वर टेनिस बॉल कैन लेके जाना ना भूलिए, ताकि आप अपनी टेनिस बॉल कभी नहीं घुमाएंगे। नंबर 11, लुइस विटन स्केटबोर्ड। ये कुछ समय की बात थी जब लुइस विटन अपने $8,250 वाले स्केटबोर्ड के साथ आए थे। स्केटिंग में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और खेलकूद वाले टीनेजर्स लुइस विटन से ज्यादा कुछ भी पसंद नहीं करते, और हमें टीनेजर्स को स्केट पार्क में तोड़फोड़ करने से ज्यादा कुछ भी मजा नहीं आता। ये बोर्ड शोहो में प्रीमियर किया गया था और साथ में $250 वाली टी शर्ट भी दी गई थी। नंबर 10, नोज मोक डायमंड स्टडेड नाइफ। हर एक शेफ को अच्छा नाइफ चाहिए और दुनिया में सबसे अमीर पर्सन को चाहिए दुनिया का सबसे शार्पेस्ट नाइफ, मतलब द नोज मोक डायमंड स्टडेड नाइफ। इस ब्लेड को कार्बन स्टील से बनाया जाता है जो ठंडे मीट को आराम से कट कर सकता है, और इस नाइफ के हैंडल पे पूरे 8 डायमंड जड़े हुए हैं। लगता है जो सॉफ्ट और कम से कम काम करने वाले व्यक्ति के लिए बनाया गया हो, और इसकी प्राइस है सिर्फ $40,000। नंबर 9, लिटिल समथिंग गुड वाइब्रेटर। कहीं पे आपके दिमाग में आपको पता था कि ऐसी चीज एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन इस पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया था।
लेकिन फिर भी हम यहाँ पे हैं। अगर आपका jimmyjane.com पे जाके खुद का लिटिल समथिंग गुड वाइब्रेटर परचेस करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ $325 में ही गिरेगा। ये प्राइस इसके लिए क्योंकि ये 24 कैरेट से बनाया जाता है, लेकिन इतना सारा पैसा इसके लिए पे नहीं कर रहे हो आप। ये साइलेंट और वाटरप्रूफ भी तो चाहिए। नंबर 8, लेदर गोल्ड एंड सिल्वर मोनोपोली सेट। दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी डे टू डे लाइफ मोनोपोली गेम से मेल खाती है, और यहाँ पे है लेदर गोल्ड एंड सिल्वर मोनोपोली गेम जिसकी प्राइस है $10,000 तक। हम इसे द लेदर गोल्ड एंड प्योर मोनोपोली सेट भी कह सकते हैं क्योंकि इसके पीछे सिल्वर और प्यूटर से बनाया जाता है। इमेजिन कीजिए कि आप कभी नींद से उठे हो और आपको ऐसी चॉइस करना पड़े तो। ये इंटरेस्टिंग सा वे है वेल्थ और डिस्ट्रीब्यूशन को सिखाने के लिए। नंबर 7, क्रिस्टल एग्रीपाडो वैक्यूम। 18,990 की कार लेने से अच्छा आप सेम प्राइस में दुनिया की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होम क्लीनिंग अप्लायंसेस ले सकते हो। क्रिस्टल एग्रीपाडो वैक्यूम 3730 स्वर्ज़ुब की क्रिस्टल से जड़ा हुआ है। इसे छोड़ के क्लीनर में सब कुछ नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर जैसा ही है। सोचने की बात यह है कि कौन इसे बाय करेगा। शायद जिसने अपनी जिंदगी में अब तक वैक्यूम क्लीनर यूज ही नहीं किया हो, शायद वो कर सकता है भाई। नंबर 6, गोकुकावा लेदर कीबोर्ड। अगर आप कीबोर्ड लेना चाहते हैं और आप एर्गोनॉमिक्स और गेम्स के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप अनादर चीजें परचेस करना चाहते हैं जैसे कि खाना, तो $603 में मिलने वाला गोकुकावा लेदर कीबोर्ड आपके लिए नहीं है। इस कीबोर्ड के कीज का फॉन्ट आप अपने मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो। जब आपको एक स्पेसिफिक चीज़ें इंटरनेट से लेना चाहो तब आपकी उंगलियों में दर्द नहीं होना चाहिए ना, इसके वजह से। नंबर 5, डायमंड स्टडेड हुडी। कॉनके स्पेल विथ के ये सिर्फ एक सिंगल पेयर मोड नहीं है। इस गेम को बनाने वाली कंपनी डायमंड स्टडेड हुडी भी बनाती है जिसकी प्राइस $10,000 है, जिसमें क्रिस्टल एर्गो रिपाडो वैक्यूम से ज़्यादा क्रिस्टल जुड़े हुए हैं, और साथ में 3 कैरेट डायमंड जीपर और अमेजिंग काउ स्कल के साथ शायद दुनिया के कुछ ही लोग इसको परचेस कर सकते हैं, शायद रैपर्स। नंबर 4, गोल्डन डायमंड ईयरबड्स। ये ईयरबड्स आप जिसमें प्लग कर रहे हैं तो उससे तो ये डेफिनेटली ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इन ईयरबड्स की प्राइस $5,175 है, और इतने पैसे में तो आप 6 लेटेस्ट आईफोन खरीद सकते हैं। अगर आप उनमें से है जो इन ईयरबड्स को बाय करना चाहते हैं तो इतना भी अजीब नहीं है, क्योंकि इन ईयरबड्स के साथ 18 कैरेट गोल्ड और उनसे डायमंड भी आते हैं। नंबर 3, क्रोकोडाइल स्किन अम्ब्रेला। क्रोकोडाइल पानी में रहता है तो भी ये सोचने में अच्छा लगता है कि किसने तो भी $50,000 वाला क्रोकोडाइल स्किन अम्ब्रेला बनाया है। अगर आप इस तरह से इंसान है कि एनिमल्स के बारे में सोचता है, तो ये क्रोकोडाइल को भी यही लगा होगा कि वह सिर्फ अमीर और डुशबैग लोगों को ही बारिश से बचाएगा। नंबर 2, अंटार्कटिक नेल एल। आपके पास कितने भी कपड़े और बियर्ड हो, आप खुद को बियर के ट्रू फैन नहीं कह सकते जब तक आपने $800 वाली अंटार्कटिक नेल एल ट्राई नहीं की, जिसमें एक्चुअल अंटार्कटिक आइस से बनाया गया है। जल्दी कीजिए, पूरी दुनिया में सिर्फ 3 बॉटल ही बनाई गई है, जिसमें से मिलने वाला पैसा एक चैरिटी को जाता है। उसका नाम है सी शिपर्ड सोसाइटी। ये एक वॉशिंगटन स्टेट ग्रुप है जो मरीन लाइफ प्रोटेक्ट करने में जुड़ा हुआ है। नंबर 1, $1,000,000 फिशिंग लोर। इस फिशिंग लोर में डायमंड और रूबी जड़े हुए हैं। ये एक परफेक्ट वीपन बन सकता है जो लोग फिशिंग वर्ल्ड में अटैक करना चाहते हैं। अगर आप इतने अमीर हैं कि इसे परचेस कर सकते हैं, और अगर कोई फिश $1,000,000 फिशिंग लोर उड़ा के लेके जाती है और आपको कोई चिंता नहीं है कि आपके $5 की जगह $1,000,000 खर्च किए हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि आपके पास पैसा कितना है। पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे अमीर लोग हैं जिन्हें प्रोडक्टिव स्पेंडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या पता ऐसी बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पर अवेलेबल हो सकती है। क्या आपको ऐसी कोई चीज़ पता है जो इस लिस्ट में आनी चाहिए थी, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपको पता है कि आप में स्मार्टनेस की हंगर है, और स्मार्टनेस की हंगर मिटाने के लिए हम हर रोज़ स्मार्टनेस का डोज रिलीज करते हैं। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि आप हमारे इस मिशन को ज्वाइन करके दुनिया में ऐसा ही अमेजिंग नॉलेज स्प्रेड करने में मदद करें। तब तक के लिए देखिए लेफ्ट या राइट। बाय।